हिमाचल उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम धामी का बड़ा फैसला, राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर रखा जाएगा। मंत्री रेखा आर्य ने फैसले का किया स्वागत। उत्तराखंड में एक बार फिर गरमाया अंकिता भंडारी का मामला। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार से पूछे सवाल, एक साल के बाद भी वीवीआईपी का नहीं किया नाम का खुलासा। प्रदेश में शुरू होगी धान खरीद। खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने तैयार करवाया प्लान। अक्टूबर में होगी खरीद, 2100 रुपए प्रति क्विंटल से होगी खरीद। देहरादून में जिलाधिकारी ने लगाया जनता दरबार। डीएम सोनिका ने सुनी लोगों की समस्याएं, 105 मिली शिकायतें। खतरे की जद में पहुंचा जोशीमठ का गणाई गांव। लगातार भारी भूस्खलन, 35 परिवारों के घर प्रभावित। पीड़ितों का प्रशासन पर सुद नहीं लेने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर रखे जाने पर फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा कि उनकी सरकार बेटी अंकिता के परिजनों के साथ खड़ी है और प्रदेश की हर बेटी का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है। धामी सरकार के इस फैसले को प्रदेश की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने स्वागत और प्रशंसा योग्य कदम बताया है। तो वहीं विपक्ष ने मंत्री धामी के इस निर्णय पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। देखिए, ये बताता है कि किस प्रकार से राज्य सरकार, धामी जी की सरकार, महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है, उनके हित में, जन भावनाओं के हित में निर्णय लेने में कितनी तीव्रता करती है। ये जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्सिंग कॉलेज का नाम जो है अंकिता के नाम पे किए जाने का संकल्प लिया, स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से हम सबकी एक श्रद्धांजलि उस बच्ची को है। और मुझे लगता है कि अब जो लोग गलत राजनीति कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सीखेंगे कि वाकई जिनकी भावना होती है वो करके दिखाते हैं, और जिन्हें राजनीति करनी होती है तो वो किस स्तर तक जा सकते हैं, मुझे लगता है कि वो जनता के समक्ष दिखता है। देखिए, नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। सरकार को चाहिए कि अंकिता भंडारी का हत्याकांड में बीआईपी कौन संलिप्त था उसका पता लगाएं, और जो अभियुक्त हैं उनको सजा मिले। ये हमारा प्रयास होना चाहिए, ये सरकार का प्रयास भी होना चाहिए। प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें जिलाधिकारी सोनिका को आज 105 शिकायतें मिली जो कि जमीन, बिजली, पानी, आपदा जैसे तमाम मुद्दों पर थी। वहीं वृद्ध लोगों की भी कई शिकायतें जिलाधिकारी को मिली, जिसके बाद सीनियर सिटीजन सेल को जिलाधिकारी ने अवगत करवा दिया। वहीं जल्द से जल्द उचित कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया जा चुका है। पर 105 शिकायतें आई हैं और इसमें लैंड और बाकी चीज़ें तो थी ही, लेकिन सीनियर सिटीजन से रिलेटेड भी काफ़ी शिकायतें थी। काफ़ी बुजुर्ग लोग आए थे और जो घरेलू जो विवाद है उसके क्रम में आए हुए थे। तो सभी एसडीएम्स को और जो हमारा सीनियर सिटीजन सेल है पुलिस का, उसमें हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन भी भेज दिए हैं कि इन सारी समस्याओं का निस्तारण करें और जो जो पॉसिबल उपाय हो सकता है सबको। इसके अलावा लैंड से रिलेटेड, बिजली, पानी, आपदा सभी से रिलेटेड चीज। अक्टूबर से प्रदेश में धान की खरीद जो है शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर ली है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि इस बार 2100 प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीद की जाएगी। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में
धान खरीद के केंद्र खोले जा रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों को धान की बिक्री करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर प्लान तैयार किया गया है। दिसंबर तक इस बार धान की खरीद की जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड में हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा धान की पैदावार होती है। देखिए, जो भारत सरकार ने हमको लक्ष्य दिया है, इस लक्ष्य के सापेक्ष धान खरीद की जाती रही है और वर्तमान में 2023-24 के खरीफ फसल खरीद में जो MSP निर्धारित की गई है वो लगभग 2100 रुपये पर कुंटल जो है निर्धारित की गई है। तो ये सरकार की हमेशा सतत ये प्रयास रहता है कि किसानों को किसी भी प्रकार से फसल से संबंधित उसको कभी भी कहीं पे भी कम मूल्य ना मिले। एक स्टैंडर्ड अमाउंट उन्होंने तय किया है, तो उसी अमाउंट के तहत जो है यदि वो हमारे सरकारी क्रय केंद्र में बेचना चाहे वहाँ की स्वतंत्रता उनको मिलती है, और वो प्राइवेट में इतने बेचना चाहे तो कोई उनका शोषण इस मूल्य के नीचे जो है वो नहीं कर पाए, उसको सुनिश्चित किया जाता है। उत्तराखंड में 38वां नेशनल गेम्स होने हैं, जहां एक तरफ ओलंपिक एसोसिएशन ने इस पर हरी झंडी दे दी है तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। आगामी 2024 में अक्टूबर या नवंबर महीने में उत्तराखंड में नेशनल गेम्स आयोजित किए जाएंगे। नेशनल गेम्स को लेकर जहाँ एक तरफ खेल विभाग ने इंफ्रास्ट्रक्चर बदलाव को लेकर तमाम कार्य पूरे कर लिए हैं, तो वहीं ऑपरेशनल एक्टिविटी को लेकर भी तेजी से काम चल रहा है। बता दें कि राजधानी देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी सहित 7 स्थानों पर राष्ट्रीय खेल होने हैं। देखिए, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2024 में होना है और संभवतः अक्टूबर नवंबर माह में इसका आयोजन होगा। खेल विभाग की ओर से इसमें गंभीरता पूर्वक इसकी अवस्थापनाओं के दृष्टिकोण से लगभग 95 से 96% हम लोगों का कार्य पूर्ण हो चुका है और कुछ चीज़ें उसी समय तात्कालिक आवश्यकताएं पूर्ण करनी होती है उसी समय उसमें कर ली जाएंगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन किया है और उस हाई पावर कमेटी में चीफ सेक्रेटरी उसके अध्यक्ष हैं, तो इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार का कोई त्वरित निर्णय लेना है तो हाई पावर कमेटी उसके लिए सक्षम है। फाइलों का मूवमेंट बहुत कम से कमतर की व्यवस्था बना दी गई है, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन होना है, जो अपने जनपद देहरादून में होना है, उधम सिंह नगर में होना है, हरिद्वार में होना है, पिथौरागढ़ में भी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं, तो यहाँ पर ठीक प्रकार से आयोजन हो सके तो विभाग ने उसके लिए कमर कसी है। और हम बहुत जिस प्रकार से गुजरात ने राष्ट्रीय खेलों का आयोजन सफलतापूर्वक किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आज प्रेस वार्ता करते हुए 3 मुद्दों पर चर्चा की। धस्माना ने कहा कि आज अंकिता भंडारी का स्वर्गवास हुए 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार ने VVIP का नाम का खुलासा नहीं किया है। उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द VVIP का खुलासा करे। इसके साथ ही उन्होंने कृषि विभाग में हुई खरीददारी को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कृषि महानिदेशक के द्वारा जारी किए गए लेटर में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वहां मनमानी तरीके से खरीद की गई है, जिसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अंकिता भंडारी की हत्या का 1 साल पूरा, एक पहली पुण्यतिथि है उनकी। सबसे पहले हम उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, शाम को कैंडल मार्च भी है। दूसरी बात, VVIP कौन था, आज भी पूरे प्रदेश की जनता के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है। हमारा ये आरोप है कि सरकार पूरी ताकत लगा के उस VVIP को बचाना चाहती है, जो VVIP उस पूरे प्रकरण के पीछे था जिसमें अंकिता भंडारी को गलत काम के लिए धकेला जा रहा था और अंतोगत्वा उसकी हत्या हुई, पहली बात। दूसरी बात, राज्य में कृषि विभाग में बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। महानिदेशक जो DG है कृषि विभाग के, उन्होंने एक पत्र जारी किया है राज्य के सभी कृषि अधिकारियों को कि वो खरीद बताएं 2 साल में क्या क्या खरीद हुई, चाहे वो उपकरण हो, चाहे बीज हो, चाहे पौधे हो, चाहे खाद हो, उसका महानिदेशालय को पता ही नहीं है कि खरीद कितनी हुई है। तो ये पूरा का पूरा विभाग आकंठ भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के आरटीआई एक्टिविस्ट विजय वर्धन ने एक और खुलासा करते हुए देहरादून की आरटीओ की नियुक्ति पर सवालिया निशान लगाते हुए बताया कि नियमों को ताक पर रखकर सुनील शर्मा का ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि पौड़ी से 25 नवंबर 2021 को आरटीओ देहरादून परिवर्तन के पद पर उनकी नियुक्ति की गई थी, लेकिन 25 अक्टूबर 2022 को सुनील शर्मा का ट्रांसफर एक साल के अंदर ही आरटीओ परिवर्तन से देहरादून आरटीओ प्रशासन के पद पर कर दिया गया, जबकि आरटीओ अल्मोड़ा शैलेश तिवारी को देहरादून प्रशासन के पद पर उपयुक्त पाया गया था और गठित कमेटी के द्वारा भी शैलेश तिवारी के प्रशासन पद के लिए ही संतुष्टि की गई थी, लेकिन परिवहन सचिव और मंत्री परिवहन के द्वारा शैलेश तिवारी जिनको आरटीओ प्रशासन बनाना था उनको आरटीओ परिवर्तन पद पर नियुक्त किया गया। आरटीओ सुनील शर्मा का जो है जो स्थानांतरण प्रशासन में है वो नियम विरुद्ध है। इसकी शिकायत जो है मैंने माननीय मुख्यमंत्री से करी है और उसमें ये कहा है कि इनकी जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि इनके खिलाफ और भी कई ऐसे मामले हैं जिनकी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत करी थी, जिसपे की जाँच जो है अभी मुख्यालय आ रखी है, लेकिन वो जाँच इन्होंने पेंडिंग कर रखी है। अब मुख्य कारण ये इसका इनका ट्रांसफर का ये है कि इनका ट्रांसफर नवम्बर 2021 को पौड़ी आरटीओ प्रशासन से देहरादून में इन्फोर्समेंट पे हुआ था और ठीक 25 अक्टूबर 2022 को इनका ट्रांसफर जो है परिवर्तन से इनका प्रशासन में कर दिया गया, जबकि इनका नियमों के विपरीत था, क्योंकि उसके लिए जो एकमात्र पात्र अधिकारी थे वो शैलेश तिवारी थे, क्योंकि उनका वो जो है अल्मोड़ा में 3 साल अपनी सेवाएं दे चुके थे और जिसके अंदर खुद सचिव द्वारा लिखा गया था, इनकी जो कमेटी थी उसमें कहा था कि एकमात्र पात्र अधिकारी होने के नाते जो है शैलेश तिवारी का ट्रांसफर जो है आरटीओ प्रशासन में किया जाता है, लेकिन इनके द्वारा जो है सचिव के द्वारा जो है ये नियम विरुद्ध जो है आरटीओ का एक साल के अंदर ही जो है परिवर्तन से प्रशासन कर दिया गया और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो है बड़ा भारी भारी बनकर भ्रष्टाचार हुआ है। और इसके साथ अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। पिथौरागढ़ मुख्यालय के पास निर्माणाधीन थरकोट बड़ाबे झील में स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन सहयोग करेगा। इन झीलों पर स्थानीय लोग वाटर स्पोर्ट्स संचालित करेंगे, वहीं जिला प्रशासन इसकी निगरानी करेगा। पिथौरागढ़ मुख्यालय के पास लंबे समय से करोड़ों की लागत से झील का निर्माण सिंचाई विभाग कर रहा है। इन झीलों के बन जाने से यहाँ पर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वरुण चौधरी मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन जो है लगातार प्रयास कर रहा है। अभी 2 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं, बड़ाबे और थरकोट झील, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट करवाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे जो 2 प्रोजेक्ट हमने आइडेंटिफाई करे हैं, बड़ाबे में जो झील है और थरकोट जो झील है, उसमें हम वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ स्टार्ट करवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें अभी इनिशियली हमने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मंगवाई है, उसमें जो इंजीनियरिंग सेक्शन से हमारे इरीगेशन और जल संसाधन जल निगम और पर्यटन की जो जॉइंट टीम है, इन लोगों का जॉइंट इंस्पेक्शन होकर हमारे पास रिपोर्ट जैसे आती है तो उसमें आगे फिर हम कार्रवाई करेंगे। इसमें जो हमारी मंशा है वो ये है कि हम पेडलिंग बोट, जॉर्बिंग बॉल, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं इसमें हम इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं। इनका संचालन जो है वो स्थानीय लोगों द्वारा ही किया जाएगा, तो इससे 2 चीज़ों को हम टारगेट करना चाह रहे हैं, पर्यटन को बढ़ावा भी मिले और स्थानीय लोग जो हैं उनका उनकी इनकम जनरेशन भी। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आयोजन करते हुए जिला पंचायत नैनीताल ने जिले और प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए शपथ लेकर साफ सफाई का संकल्प लिया। जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने कहा कि
ग्रामीण क्षेत्रों बाजारों में डेंगू मच्छर मलेरिया रोकथाम के लिए दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। लोगों को लगातार स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ ही उन्हें स्वच्छता संबंधित कार्यों से जोड़ा जा रहा है। वहीं जिला पंचायत नैनीताल ने 6 कूड़ा वाहनों के माध्यम से ग्रामीण बाजारों मार्गों से ठोस अपशिष्ट का निस्तारण भी करवा रखी है। महात्मा गांधी जी ने जो कहा था, स्वच्छता ही सेवा है, इसका भाव यही था कि हम सब साफ सफाई रखें। साफ सफाई से अनेक संक्रामक रोग नहीं फैलते हैं, वातावरण में शुद्धता बनी रहती है। स्वच्छता से शुद्ध हवा, शुद्ध जल प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य में अच्छा प्रभाव पड़ता है। मच्छर से फैलने वाली बीमारियों से छुटकारा मिलता है। मन में स्वच्छता ही सेवा है का पखवाड़ा चल रहा है। महात्मा गांधी का जो स्लोगन था कि स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत हम से एक स्वच्छता के रूप में सभी लोगों की सेवा कर सकते हैं, तो उसी का पखवाड़ा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, जिसमें शासन प्रशासन और उसमें जिला पंचायत भी सहयोगी है। जिला पंचायत के द्वारा पूर्व में भी स्वच्छता के कार्यक्रम चलाए गए हैं और वर्तमान में भी प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए। लोहाघाट डाकघर में लंबे समय से चल रही अव्यवस्थाओं से क्षेत्र की जनता को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा ने जन समस्या का संज्ञान लिया। बता दें कि भाजपा पदाधिकारियों और नगर पालिका अध्यक्ष के साथ लोहाघाट डाकघर जाकर पोस्टमास्टर दीपक गोस्वामी का घेराव कर डाकघर की समस्याओं का समाधान करने की मांग करते हुए खरी खोटी सुनाई। भाजपा जिला अध्यक्ष मेहरा और भाजपा पदाधिकारी ने कहा कि आए दिन डाकघर का सर्वर डाउन रहता है, लोगों के आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य समस्याएं भी है, जिस कारण दूर दूर क्षेत्र से आने वाली जनता का समय के साथ साथ धन भी खर्च हो रहा है, जिससे जनता काफी परेशान है। वहीं लोगों का कहना है कि आए दिन डाकघर का सर्वर डाउन रहता है, जिस कारण से उनके डाकघर के जरूरी कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का हर कोई कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। और आज जो हम आदरणीय मोदी जी के सेवा सप्ताह पखवाड़े के तहत हम चिकित्सालय में जब रक्तदान करने गए हुए थे, तो ऐसी समस्याएं वहां आई कि जो आधार कार्ड है पोस्ट ऑफिस से उसमें नंबर नहीं जुड़ रहे हैं या यहाँ की प्रिंटिंग मशीन खराब है। तो ये आए दिन की जब बात हो रही थी, जब हमें सूचना मिली तो हम लोग पोस्ट ऑफिस में आए और यहाँ पोस्ट मास्टर जी से इन सब सवालों का हमने जवाब पूछा है। और अभी अभी जो इनके SP हैं, सुप्रिटेंडेंट जो पिथौरागढ़ में बैठते हैं, उनसे भी वार्ता हुई है। उनका कहना है आज बैठक करने के बाद हम कितना इसमें आज जल्दी से जल्दी हर कार्य में हम सुधार करने की कोशिश प्रयास किया जाएगा। अपने उच्च अधिकारियों को आज इसके बारे में पत्र लिख के सूचना दी जाए। सर इसमें पोस्ट ऑफिस आधार से संबंधित समस्या के तुरंत आज इसके बारे में ऊपर बताया जाए। और सर्वर, सर्वर तो सर पूरा लाइसेंस इशू है ना, मतलब जब अन्य जगह चलता है नेटवर्क तो ठीक है सर, नेटवर्क की दिक्कत है, सर्वर डाउन रहता है बीच में 10 मिनट 15 मिनट। गाँव से लोग आते हैं, लोग आगे यहाँ कहा जाता है कि सर्वर खराब है, और आदमी आता है उल्टे पांव चले जाता है, 400-500 उसका आने में लगता है, 400-500 जाने में लगता है, और दिन अलग से बर्बाद होता है। ये परेशानी हमारी ये पोस्ट ऑफिस से दूर की जाए। डोईवाला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हुए डोईवाला के भानियावाले में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला और तमाम भाजपा पदाधिकारियों ने रक्तदान शिविर का हिस्सा बन रहे युवाओं और कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की। राजनीति के साथ साथ तमाम ऐसे रचनात्मक काम और कुछ जो समय की ज़रूरत होती है या समय की चुनौती होती है, उन चुनौतियों को स्वीकार करती है। हम सब जान रहे हैं कि आजकल डेंगू का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ा है, चिकनगुनिया भी कुछ स्थानों पर शुरू हुआ है। दोनों बीमारियां काफ़ी घातक होती हैं, फैटल होती हैं, और ऐसे में अपने प्रधानमंत्री जी जो सबके बहुत ही प्रिय नेता हैं, हमारे देश के नहीं बल्कि दुनिया के, उनके
जन्मदिन से लेकर और गांधी जी के जन्मदिन तक यानी 2 अक्टूबर, ये 15 दिनों में सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि आजकल आप देख ही रहे हैं डेंगू का प्रकोप पूरे विश्व में फैल रहा है, जिसमें प्लेटलेट्स घट रही हैं और ये ब्लड देने से लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। डेंगू का वो चल रहा है प्रकोप, और उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ये आज जन्मदिन है, कल जन्मदिन था उसके, उसमें ये रक्तदान का शिविर लगाए हैं। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी ने तहसील पिथौरागढ़ की पट्टी धनोरा के ग्राम पंडा के किसान कमला देवी के खेत में धान की खेती की कटाई प्रयोग का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्वयं भी धान की फसल की कटाई की। क्रॉप कटिंग प्रयोग के तहत खेत के 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में धान की कटाई की गई। बता दें कि धान को झाड़ने के बाद धान को तोला गया, जिसके आधार पर खेत में धान की फसल के औसत उत्पादन का अनुमान लगाया गया। बता दें कि इसी प्रकार जनपद में फसल के औसत उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है, जिसके आंकड़े जो है शासन में देहरादून स्थित कृषि विभाग को प्रेषित किए जाते हैं। लोहाघाट ब्लॉक के गंगनौला के प्रसिद्ध त्योंदार बाबा मंदिर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर त्योंदार बाबा और देवी के सोने चांदी के गहने, तांबे के ढोल, दमाऊ, तांबे के बर्तन और 4,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। मंदिर में चोरी होने से क्षेत्र के ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। चोरी की घटना की तहरीर ने लोहाघाट पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मंदिर का मौका मुआयना कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।